नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट कोर्ट न्यूज 2019-2020। तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 14 फरवरी 2020 की। दोस्तों हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले और बात करेंगे सबसे पहले टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, आज की बड़ी अपडेट्स क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट की प्रक्रिया में भी आपको लग सकता है समय। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन का तो समय आपको देना ही पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सीटेट 2020 के लिए जल्दी करें आवेदन, आवेदन की अंतिम तिथि भी जाने। जी हाँ दोस्तों, सीटेट 2020, अगर आपका दोस्तों यूपी टेट 2019 में नंबर कम रह गए हैं या सीटेट दोस्तों पिछली बार में 2019 में अगर आप पास नहीं कर पाए तो दोस्तों 2020 के लिए आपको जल्द से जल्द आवेदन करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसका पूरी अपडेट अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि सीटेट के अपडेट्स क्या है। ये दोस्तों सीटेट का जो नोटिस जारी हुआ था, ठीक है ना, पहले सीटेट के अंतिम जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है दोस्तों वो आपकी 24/1/2020 से शुरुआत हुई दोस्तों। 24/2/2020 मतलब 24 फरवरी को दोस्तों आप अंतिम तारीख है, 24 तारीख तक ही आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो आपको फीस पेमेंट का अंतिम समय दिया गया वो 27 फरवरी तक है, दोपहर 3:30 बजे तक। जी हाँ दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा कि दोपहर 3:30 बजे के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें कि कितना रुपए लग रहा है। देखिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट है तो आपको एक पेपर के लिए 1000 और दोनों पेपर के लिए 1200। याद रखिए दोस्तों 1200 रुपए है दोनों पेपर के लिए। काफी छात्र कंफ्यूजन में है, अगर एससी एसटी डिफरेंट एबल्ड पर्सन, ठीक है, तो इनके दोस्तों एक पेपर के लिए 500 रुपए, दोनों पेपर के लिए 600 रुपए देना है। तो अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करिएगा सीटेट का, तो दोस्तों हम यही कहेंगे आपसे कि आप दोनों पेपर के लिए आवेदन करिए, जिससे कि दोस्तों 1200 रुपये में आपका काम हो जाएगा। अगर आप सिर्फ एक पेपर के लिए आवेदन करेंगे तो दोस्तों आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। तो दोस्तों 200 रुपये ज़्यादा लगाकर आप दोनों पेपर के लिए आवेदन करें और हो सकता है कि आप दोनों पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे आज की कोर्ट की अपडेट्स क्या है। उसके बाद दोस्तों भी हम आपको एक बड़ी अपडेट्स दें, 69,000 शिक्षक भर्ती केस कोर्ट नंबर 1 में 18 तारीख को होगी सुनवाई हेतु, ठीक है। केस आपका लिस्टेड हो चुका है, देखिए कार्ड लिस्ट। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती की दोस्तों ये कार्ड लिस्ट जारी हो चुकी है। इसकी जो सुनवाई है वो आपकी 18 फरवरी 2020 को हो गई। देखिए दोस्तों वैसे ही अभी आपकी यूपी टेट 2019 का दोस्तों जो मामला कोर्ट में गया है उसकी भी दोस्तों ऐसी ही कुछ कार्ड लिस्ट जारी होगी। जैसे भी दोस्तों आप ये देख रहे हैं ना 69,000, तो दोस्तों ये आपके सीनियर छात्रों की कार्ड लिस्ट है, मतलब जो इनकी सुनवाई चल रही है। और इनका पेपर आपको फिर से हम बता दें कि इनका पेपर हुआ था पिछले साल 6 जनवरी 2019 को। इनमें दोस्तों मैटर ये है कि इनमें पासिंग मार्क, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपकी पासिंग मार्क होती है यूपी टेट में 82 और 90 नंबर, तो दोस्तों वैसे ही 69,000 में भी पासिंग मार्क को लेकर यह केस चल रहा है। और दोस्तों आज एक साल से ज़्यादा का समय हो चुका है अभी तक दोस्तों ये मामला कोर्ट में है। तो उम्मीद करेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो मामला कोर्ट में दोस्तों वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो। और उसके बाद दोस्तों जो यूपी टेट का मामला है विवादित प्रश्नों को लेकर, वो भी दोस्तों मामला आपका जल्द से जल्द सुलझ सकता है। देखिए यूपी टेट का जो मामला पिछले साल भी गया था हाई कोर्ट में, तो यूपी टेट 2018 का, तो वो दोस्तों बहुत ही जल्दी आपका कंप्लीट हो गया। तो उसका रीजन ये था दोस्तों कि हाई कोर्ट में ज़्यादा समय लगता नहीं, क्योंकि उस समय आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती भी बिल्कुल नहीं होता कि आ चुकी थी शिक्षक भर्ती। अगर उसमें हाई कोर्ट में समय लगता तो बच्चे 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाते। देखिए इस समय फिलहाल करंट में कोई वैकेंसी है नहीं, तो इसीलिए दोस्तों इस मामले में हो सकता है थोड़ा समय लगे। देखिए दोस्तों जो आपकी केस की अगली सुनवाई होगी उसकी हम दोस्तों आपको अपडेट्स दे दें। आपकी अगली सुनवाई दोस्तों फिलहाल 17 तारीख को होगी, ठीक है, 17/2/2020। तो कोर्ट नंबर 20 में आपकी अगली सुनवाई, देखिए कोर्ट नंबर 20 में होगी, 17 तारीख को होगी। और दोस्तों जो भी अपडेट्स आएगी वो हम आपको देंगे। देखिए कमेंट बॉक्स में भी हमने आपके लिए एक लिंक दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, तो यूपी टेट कोर्ट से संबंधित जितनी भी खबरें आएंगी सबसे पहले दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया वेबसाइट के माध्यम से आपको हमेशा अप टू डेट किया जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक का प्रयोग करिए और वहाँ हमेशा नई खबरें आती रहेंगी। हो सकता है इस वीडियो को दोस्तों आज आप 14 तारीख को देख रहे हो कुछ छात्र, हो सकता है इस वीडियो को 15 तारीख को देखें कुछ छात्र, हो सकता है इसको मॉर्निंग में देखेंगे कुछ छात्र, इवनिंग में देखेंगे, तो अलग अलग दोस्तों समय देखते हैं। तो दोस्तों जो वेबसाइट की अपडेट रहेगी वो हर समय बदलती रहती है, तो वीडियो तो नहीं बदलेगी क्योंकि एक बार आ चुकी है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक का प्रयोग करिए, जिससे कि आपको बिल्कुल सही और ताज़ा जानकारी मिलती रहे। एक और दोस्तों अपडेट आई आज की, बेसिक शिक्षा में भ्रष्टाचार, पैसा जेब में और प्रोजेक्टर गायब, शिक्षक ले रहे हैं निष्ठा ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट से आज की, बेसिक शिक्षकों के अंतर जिला तबादले का सत्यापन अधूरा है, 16 तक करे पूरा परिषद, सचिव ने सत्यापन की तारीख। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट्स पहले देखते हैं हम लोग कि पैसा जेब में और प्रोजेक्टर गायब, ठीक है ना, शिक्षक ले रहे हैं निष्ठा ट्रेनिंग, क्या है दोस्तों पूरी अपडेट। परसदीय स्कूल के शिक्षकों के लिए हो रही एकीकृत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा में अनियमितता हावी हो गई है। प्रशिक्षण में शिक्षकों को कुर्सी, मेज, प्रोजेक्टर व अन्य सुविधाओं के साथ 5 दिन की ट्रेनिंग दी जानी है। इसके लिए प्रति शिक्षक 2,500 रुपये का बजट दिया गया है। प्रोजेक्टर तो दूर की बात है, मोहनलालगंज व
मॉल ब्लॉक में शिक्षकों को जमीन पर बैठाकर तकनीक व बेहतर शिक्षक बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसे लेकर शिक्षकों में ऐसा रोष है, राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से प्रदेश के शिक्षकों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने, बेहतर पठन पाठन के लिए हर ब्लॉक में शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों की ट्रेनिंग के लिए निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। राज्य परियोजना की ओर से ब्लॉक को 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए 2500 रुपये प्रति शिक्षक दिए गए। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए, पहले इस वीडियो को आप लोग के काम करना, अधिक से अधिक शेयर करना है कि जो ये सब पैसे मार रहे हैं ना बीच वाले, उनकी दोस्तों पहले नौकरी जानी चाहिए। सोचिए यार, जो टीचर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपके ये सब दिख रहे हैं दोस्तों, ये सब जमीन पर बैठकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, जबकि दोस्तों एक टीचर पर कितना खर्चा किया गया, 2500 रुपये दोस्तों। मतलब आप समझ रहे हैं, 100 टीचर का मतलब हो जाते हैं यहाँ पर सीधे 2.5 लाख रुपये। तो अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है दोस्तों। तो देखिए आप लोग की जब तक हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में आप भी टीचर बनेंगे, आपके जैसे दोस्तों, ये आपके समझ लीजिए सीनियर टीचर है जो जमीन पर बैठकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, जबकि दोस्तों इनके लिए क्या था समझिए, पैसा जेब में गया और प्रोजेक्टर गायब हो गया। देखिए प्रोजेक्टर पर दोस्तों ट्रेनिंग दी जानी थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो मोहनलालगंज की ये घटना है। देखिए पूरी अपडेट्स को देखते हैं। इस पैसे में खंड शिक्षा अधिकारी को प्रोजेक्टर की खरीदारी, शिक्षकों के लिए कुर्सी मेज, जनरेटर, कंप्यूटर आदि की व्यवस्था करनी थी, ठीक है ना। जो खंड शिक्षा अधिकारी, जो दोस्तों अभी वैकेंसी आई है, फिलहाल इसका नाम होता है BEO, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो फिलहाल दोस्तों इसकी वैकेंसी आई थी, जिसमें 309 पदों पर भर्ती होनी है। तो ये पेपर दोस्तों अभी कुछ महीने बाद होना है, इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें दोस्तों एक चीज और बता दें, सिर्फ BEd के छात्रों को मौका दिया गया है, DEd के छात्र दोस्तों इसमें आवेदन के पात्र नहीं थे। तो पूरी अपडेट्स को देखते हैं। और क्या है कि मोहनलालगंज में 3 चरणों की ट्रेनिंग बिना प्रोजेक्टर के हो गई। बुधवार को NCERT की टीम के निरीक्षण के बाद गुरुवार को प्रोजेक्टर की व्यवस्था की गई। मोहनलालगंज ब्लॉक में 1075 शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशकों पर 26,87,500 रुपये खर्च किए जाने हैं। सोचिए दोस्तों 26 लाख रुपये कितने होते हैं, जो सभी लोग टैक्स वैक्स देते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, और उनका पैसा दोस्तों की मतलब टीचरों को भी जमीन पर बैठाकर ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी तक आपने देखा होगा यूपी में फिलहाल बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते थे, अब तो टीचर भी जमीन पर बैठकर पढ़ेंगे। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ। देखिए क्या होता है, आप लोग अपने दोस्तों को अवेयर भी करते रहिए। देखिए आप भले मामला आपका कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में दोस्तों मामला क्यों गया, आप लोग चाहते हैं कि जो प्रश्न पर नंबर मिलने चाहिए उसमें मिलने चाहिए, क्योंकि होता क्या, गलती किसी छात्र की नहीं होती, गलती किताबों की होती है, बुक्स की होती है। देखिए दोस्तों आपने तो वही पढ़ा जो किताबों में लिखा था, किताबों के अनुसार दोस्तों आपने उत्तर किए। अब देखिए दोस्तों इसीलिए मामला आपका हाई कोर्ट में, जस्ट आप उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद आपके नंबर बढ़ाए जाएंगे। विषय विशेषज्ञ दोस्तों क्या था कि अभी आपका जो रिवाइज्ड आंसर की जारी हुई है, रिवाइज्ड आंसर की में भी दोस्तों संशोधन हो सकता है, उसके बाद आपका रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होगा। तो देखिए जब तक दोस्तों हाई कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, उससे पहले दोस्तों आपका रिवाइज्ड रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर, तो वेट एंड वॉच करना है दोस्तों। देखिए एक और आपका जो ट्रांसफर वाली बात है ना, यूपी में समय ट्रांसफर चल रहा होगा, अगर आप लोग को पता होगा, सत्यापन अधूरा 16 तक करें पूरा, ठीक है। ये सब दोस्तों अपडेट्स है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। इसके दोस्तों भी हम आपको कमेंट बॉक्स में इसका पूरा लिंक दे देंगे, अगर आपको ये पूरी जानकारी पढ़नी हो आज की। तो दोस्तों आज की पूरी अपडेट्स टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप देख सकते हैं। तो हमने दोस्तों आपके लिए सारी जितनी अपडेट्स आती है वो वेबसाइट के माध्यम से भी उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। कुछ छात्र होते हैं कि देखते हैं उसको सेव करना चाहते हैं, तो उसको दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेके आप, उसमें भी दोस्तों हमने आपको शेयर का ऑप्शन दे रखा है, अगर आपको अपने दोस्तों तक पहुंचानी है वो सब बातें, तो उसको पहुंचाइए। तो ये सब देखिए अच्छी बातें होती है, आप लोग को बिल्कुल अप टू डेट रहना है। देखिए कोर्ट की प्रक्रिया में दोस्तों हम आपको पल पल के अपडेट्स देते रहेंगे, फिलहाल भी आपकी अगली सुनवाई में थोड़ा समय है। हम चाहते हैं दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए, जो छात्र फेल हुए हैं उन तक दोस्तों इस वीडियो को जरूर पहुंचाया करिएगा, ताकि उनमें एक मोटिवेशन बना रहे, उम्मीद बनी रहे, ठीक है। सीटेट के लिए आप आवेदन जल्दी से जल्दी कर दीजिए, समय उसके लिए भी अब कम रह गया है। लेकिन दोस्तों होता है ना कि अगर आप इधर पास हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, जैसे कुछ छात्र होंगे जो 5 नंबर तक फेल हो रहे हैं, या दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और हो रहा है, तो उम्मीद है अभी, ठीक है ना। उम्मीद पर दोस्तों दुनिया कायम, तो आप भी उम्मीद रखिए, नहीं बढ़ेगी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन दोस्तों उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। तो उम्मीद रखिए दोस्तों, और आप लोग सीटेट के लिए भी तैयारियां शुरू कर दीजिए। देखिए सीटेट में पेडागॉजी सेक्शन ज्यादा होता है, जो पेडागॉजी देखिए कभी कभी किताबों से बिल्कुल सेम टू सेम मैच नहीं करता, तो आपको उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। पेडागॉजी सेक्शन आप समझकर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, पढ़ाई करते रहिए, और जो भी दोस्तों अपडेट्स आएंगे हम आपको अपडेट करके बताते रहेंगे कि शिक्षक भर्ती में क्या अपडेट्स हैं। फिलहाल दोस्तों जो जूनियर वाली वैकेंसी थी, अभी उसमें थोड़ा समय लग सकता है, तो जितना ज़्यादा दोस्तों वो देर होगा उतना ही आपको फायदा होगा। देखिए जितने छात्र यूपी टेट में फेल हैं, तो वो छात्र जरूर ये चाहेंगे कि शिक्षक भर्ती जो आने वाली वो देर से आए, देर से आएगी तभी दोस्तों उन छात्रों को मौका मिलेगा। तो बस उम्मीद ये रखिए कि सीटेट का जो आपका पेपर होगा, वो फिलहाल अभी दोस्तों बात हुई थी कि 5 जुलाई को हो सकता है, 5 जुलाई 2020। अगर दोस्तों सीटेट का पेपर जुलाई में होगा, तो इतना मान के चलिए सीटेट अपना रिजल्ट भी जुलाई में जारी कर देगा।
अगर दोस्तों सीटेट का रिजल्ट भी जुलाई में जारी हो जाता है तो क्या होगा, सोचिए पहले। उसके बाद मान लेते दोस्तों, उसके बाद जुलाई के बाद मतलब आपका आता है अगस्त। तो दोस्तों अगर कोई वैकेंसी आपकी अगस्त से आती है या जुलाई के अंतिम से भी आती है तो आप उसमें शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अगस्त से पहले या जुलाई से पहले कोई वैकेंसी आ जाती है तो उस शिक्षक भर्ती में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आवेदन के पात्र नहीं होंगे। तो ये बात आपको समझनी है। तो अभी उम्मीद करिए, जो भी दोस्तों प्रे करिए भगवान से कि ये जो कोई भी शिक्षक भर्ती आए वो लेट से आए, उन छात्रों के लिए दोस्तों जो छात्र अभी यूपी टेट में फेल हुए हैं, ठीक है ना, जो पास अभी नहीं हो पाए, जिन बच्चों के नंबर कम हैं, जो छात्र पास हो गए वो तो चाहेंगे यार कल के कल वैकेंसी आ जाए, फरवरी में आ जाए, मार्च में ही आ जाए, ताकि दोस्तों जो छात्र फेल है वो शिक्षक भर्ती से बाहर हो। देखिए सभी लोग चाहते हैं कि कम से कम छात्र आवेदन करेंगे तो दोस्तों उसमें कंपटीशन थोड़ा आसान होगा। अभी आपको बताया था, जैसे अभी आप जो खंड शिक्षा अधिकारी की दोस्तों बात हो रही थी, उसमें 309 पदों के लिए जो वैकेंसी आई थी ना, उसमें 5 लाख से अधिक आवेदन हो गए। आप अंदाजा लगाइए पद कितने, सिर्फ 309 और आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 5 लाख से अधिक। तो कंपटीशन कितना अच्छा खासा होने वाला, ये बात आप बहुत ही अच्छे से भली भांति समझ रहे होंगे। तो वैसे दोस्तों आप लोग के लिए कुछ शिक्षक भर्ती की जो वैकेंसी आएंगे तो कुछ ऐसी ही आएंगे, अगर आपकी तैयारी बहुत ही जोरदार नहीं रहती तो फिर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हम चाहेंगे दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों अगर आपको यूपी टेट कोर्ट की जितनी भी अपडेट्स होंगी वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती रहेंगी। तो फिलहाल दोस्तों अभी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, उम्मीद बनाए रखना है, पास होंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों हम आपको हर दिन की तरह हर रोज आपको एक नई कोर्ट अपडेट्स देते रहे। तो आज दोस्तों 14 तारीख है, कल की दोस्तों कोर्ट अपडेट्स कल मिलेंगी। स्टे कनेक्टेड, फिर मिलते हैं।